क्लास के अंदर शामिल नहीं हो पाए थे, उनको दोबारा मैं एक बार इंट्रोडक्शन के रूप में बता देता हूं कि ऑक्सीजन थेरेपी क्या होती है और कैसे आपको ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट को देनी होती है। क्लियर, एक शॉर्ट फॉर्म के रूप में जितनी स्लाइड्स कल हमने कंप्लीट कर ली थी उनको मैं एक बार फटाफट रिवीजन के तौर पे आपको बता देता हूं, उसके बाद अपन इसको नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे। क्लियर? अरे बोलो, कल क्लास बिना कहे ले ली, उसकी नाराजगी है आप सभी को? किसी को पता नहीं लगा? चिंता क्यों करते हो आप लोग? चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कहो तो पूरी फंडामेंटल को दोबारा भी पढ़ाया जा सकता है। पढ़ा दूं क्या दोबारा? ओके, हाँ मुझे पता है आपका आंसर नहीं आएगा। चलिए देखते हैं ऑक्सीजन थेरेपी के बारे में। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें फटाफट रिवाइज कर लीजिए आप कि ऑक्सीजन थेरेपी क्या है। सबसे पहले ट्रीटमेंट का रूप है या नहीं है? ऑक्सीजन थेरेपी को क्या माना गया है? एज ए ट्रीटमेंट के रूप में लिया जाता है जो डिलीवर की जाती है ऑक्सीजन गैस यू टू ब्रीथ। क्लियर? सेकेंड बात करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी को अपन सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जाना जाता है? सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन। और मेडिकल ट्रीटमेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए सप्लीमेंटल के रूप में किसी भी व्यक्ति को ऑक्सीजन थेरेपी दी जा सकती है। थर्ड अपन बात करें कि इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन कितनी होती है। जब अपन इनहेलेशन करते हैं तो 21% कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का होता है जब अपन इनहेल करते हैं, और जब हम एक्सहेल करेंगे तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना होता है? 16%। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, एग्जाम की दृष्टि से यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। दूसरी बात ध्यान रखना कि जो ऑक्सीजन होता है इसको कंसिडर्ड किया गया है एज ए मेडिकेशन के रूप में। कैसे कंसिडर्ड किया गया है? एज ए मेडिकेशन के रूप में। क्लियर? दूसरी बात ध्यान रखना कि जब भी किसी पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी की रिक्वायरमेंट है तो बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के आप व्यक्ति को ऑक्सीजन थेरेपी नहीं दे सकते। लेकिन यदि आपके सामने कंडीशन रख दी जाए कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है तो क्या आप मरीज को ऑक्सीजन थेरेपी विदाउट प्रेस्क्रिप्शन दे सकते हो? तो बिल्कुल इसका आंसर आएगा यस, आप उसको विदाउट प्रेस्क्रिप्शन ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। लेकिन सिचुएशन कैसी होनी चाहिए? इमरजेंसी सिचुएशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे ऑक्सीजन थेरेपी का मेनली गोल क्या होता है। तो ऑक्सीजन थेरेपी का मेनली देखो गोल होता है हाइपोक्सिया को रिड्यूस करना, हाइपोक्सिया को प्रिवेंट करना या हाइपोक्सिया को रिलीव करना। व्हाट मीन हाइपोक्सिया? हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर जो भी टिश्यूज होते हैं उनके अंदर यदि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या ऑक्सीजन का लेवल यदि कम हो जाएगा तो कंडीशन क्या कहलाएगी? हाइपोक्सिया। उस हाइपोक्सिया को रिलीव करने के लिए डिलीवर की जाती है क्या? ऑक्सीजन। और जो ऑक्सीजन डिलीवर की जाएगी उसका कंसंट्रेशन हमेशा 21% से क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, बोलो भाई समझ गए यहां पर बात? लेक ऑफ ऑटो इन टिश्यूज, वेरी गुड, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि किसी भी प्रकार की मेडिकेशन, ऑक्सीजन इज आल्सो नोन एज ए मेडिकेशन, ऑक्सीजन को यहां पर मेडिकेशन के रूप में यूज किया जा रहा है। और जब किसी भी मेडिकेशन की, चाहे वो ऑक्सीजन हो या वो अलग प्रकार की कोई टैबलेट हो या सिरप हो या इंजेक्शन हो, यदि उसको एक लिमिट मात्रा से ज्यादा मात्रा में आपने पेशेंट को दिया है तो उसकी टॉक्सिसिटी होने की संभावना हो सकती है। उसी प्रकार जब किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन एक लिमिट से ज्यादा दे दी जाएगी तो कंडीशन हो सकती है कौन सी? ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए कौन कौन सी कंडीशन के अंदर आपको ऑक्सीजन थेरेपी दी जानी चाहिए? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम, एक्सटेंसिव बर्न, फीवर, एनेमिया, शोक और हेमरेज, ये सब इंडिकेशंस हैं जिसके अंदर पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देने की रिक्वायरमेंट होती है। आएगा ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी के बारे में भी आएगा, चिंता मत करिए, सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे की स्लाइड्स में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन के सोर्सेस कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला सोर्सेस होता है वॉल आउटलेट, दीवार पे जो सेंट्रल लाइन लगी होती है उसको अपन बोलते हैं वॉल आउटलेट।
सेकंड होता है पोर्टेबल सिलेंडर। आपने देखा होगा एक वार्ड से दूसरे वार्ड में आप सिलेंडर लेकर जा रहे हो और सिलेंडर से ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हो। थर्ड आपने देखा होगा टैंक, जिसके अंदर ऑक्सीजन यानी कि लिक्विड ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, खाली किया जाता है और वहां से फिर ऑक्सीजन को प्रॉपर रूप से सप्लाई किया जाता है। वो ऑक्सीजन के क्या होते हैं, टैंक होते हैं। क्लियर। इसके बाद ध्यान रखना कि ऑक्सीजन को डिजाइंड, ऑक्सीजन जब किसी व्यक्ति को दी जाती है तो उसके लिए आपको फ्लो रेट यानी कि फ्लो मीटर का होना जरूरी है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन दी जाएगी तो उसको कैसे पता करोगे कि कितना परसेंटेज आप दे रहे हो, कितना लीटर पर मिनट दे रहे हो। उसके लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, फ्लो मीटर। क्लियर। और फ्लो मीटर हमेशा किससे अटैच रहेगा, वॉल आउटलेट से। अभी मैं आपको डायग्राम बता दूंगा, आपको समझ आ जाएगा कि किस प्रकार का फ्लो मीटर होता है। इसी फ्लो मीटर के अंदर एक वॉल्व होता है जो रेगुलेट करता है किसको, ऑक्सीजन की फ्लो को। क्लियर। ऑक्सीजन के फ्लो को हमेशा किसमें मेजर किया जाएगा, लीटर पर मिनट के अंदर। देखो जो भी मैं आपके सामने गोलेख कर रहा हूं, जिस वर्ड को, उस वर्ड को आपको ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी होगा। क्लियर। तो ऑक्सीजन फ्लो को किसके अंदर मेजर किया जाता है, लीटर पर मिनट के अंदर। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात करें कि ऑक्सीजन देने का सोर्सेज क्या है, तो लाइक है अभी कोरोना के अंदर आपने नाम सुना होगा एक नया सोर्सेज, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। व्हाट इज द ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो एनवायरमेंट से ऑक्सीजन को रिसीव करके पेशेंट को दी जाती है। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। आइए इनके इमेज आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि व्हाट इज दिस, ये है आपका पोर्टेबल सिलेंडर ऑक्सीजन का, जिसके द्वारा पेशेंट को ऑक्सीजन दी जाती है। ये पूरा इंस्ट्रूमेंट क्या है, फ्लो मीटर। इसके अंदर ये लगा हुआ है रेगुलेटर, जिसके द्वारा ऑक्सीजन के फ्लो को क्या किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा, मेजर किया जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नीचे बॉटल बनी हुई है ये क्या है, ह्यूमिडिफायर बॉटल, या फिर इसको वॉल्फ बॉटल के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन होकर कहां पर जाती है, पेशेंट को दी जाती है। कहने का मतलब पहले ऑक्सीजन कहां पर जाएगी, वॉटर के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, एक वार्म गैस है, और जब वार्म गैस होती है तो उसको डायरेक्ट किसी पेशेंट को नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो रेस्पिरेटरी म्यूकोसा को क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है, इरिटेट कर सकती है। इसलिए ऑलवेज क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाइड करके पेशेंट को दिया जाता है। उसी के लिए ह्यूमिडिफाइड बोतल हमेशा ऑक्सीजन सोर्सेस के अंदर अटैच की जाती है। थर्ड डायग्राम आपको बताना चाहूंगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, और वेरी इंपॉर्टेंट, आने वाले एग्जाम के अंदर ये इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी जो कोरोना था उसके अंदर इस इंस्ट्रूमेंट का काफी ज्यादा यूज किया गया है, इसलिए आपको ये प्रॉपर रूप से ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन फ्लो रेट। ऑक्सीजन फ्लो रेट को हमेशा मेजर किसके अंदर किया जाएगा, लीटर पर मिनट के अंदर। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर्ड टू द पेशेंट। क्लियर। यहां पर सिर्फ ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन की फ्लो रेट को किसके अंदर मेजर किया जाता है, लीटर पर मिनट के अंदर। सेकंड क्या बात कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है उसको स्टिमुलेट होने के लिए सबसे इफेक्टिव पॉइंट्स क्या है। तो डेफिनेट ध्यान रखना कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब ज्यादा हो जाएगा, एक्सेसिव लेवल हो जाएगा, तो ये रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करेगा, और रेस्पिरेटरी सेंटर को जब स्टिमुलेट करेगा तो व्यक्ति के ब्रीथिंग लेने की जो एक्टिविटीज है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उसको अपन क्या बोलने वाले हैं, टैकिपनिया। क्लियर। होगा या नहीं होगा, कब होगा, जब ब्लड के अंदर एक्सेसिव लेवल हो जाएगा किसका, CO2 का। समझते हो CO2 क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। अरे बोलो भाई, समझ आ रहा है क्या, कौन सी गैस होती है,
चेट को ऊपर किया जाए थोड़ा। चलिए नीचे कर दें वापस। उसे क्या बोलेंगे जो ऑक्सीजन खत्म होने से पहले ही इन्फॉर्म करता है? वो तो अलार्म सेट किया जाता है, ऑक्सीजन खत्म होने से पहले तो अलार्म सेट किया जाएगा, जिससे पता लग जाएगा आपको कि ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। और ऑक्सीजन सिलेंडर का जो प्रेशर रहता है, प्रेशर क्या है, उसके लिए भी मीटर लगा हुआ होता है। उस प्रेशर के अंदर क्या होता है, जो आपकी उसके अंदर स्टिक होती है, वो धीरे धीरे डाउन होती जाएगी। धीरे धीरे जब वो डाउन होती जाएगी तो ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा कि सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। क्लियर? सिलेंडर को उठा के थोड़ी देखना होगा आपको, प्रेशर के आधार पे आपको पता लगेगा कि ऑक्सीजन जो है वो खत्म होने वाली है या नहीं है। चलिए बात करते हैं ह्यूमिडिफिकेशन की। यहां तक क्लियर है सभी को? ह्यूमिडिफिकेशन की बात करेंगे। वॉल में अलग से, वॉल में अलग से जो होता है, वॉल में तो जहां मेन इसका सेंटर बनाया जाता है, मेन जो सेंटर बनाया जाता है, मान लो कि पूरे हॉस्पिटल के अंदर जहां से पूरी सप्लाई हो रही है वहां पर मीटर लगे हुए होते हैं, वहां पे पता लग जाएगा आपको। हर पॉइंट पे थोड़ी पता लगेगा कि ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, वहां पर जो कर्मचारी रहता है उसको पता लगेगा। इसके लिए कोई अलग से कोई सिस्टम थोड़ी आता है, आपको कैसे पता लगेगा? सपोज करो आपने वॉल पे ऑक्सीजन सेंटर लाइन लगा रखी है, तो या तो हर वार्ड के अंदर एक पॉइंट बनाया जाएगा जिसपे प्रेशर पॉइंट लगा होगा, वहां से आप देख सकते हो, या फिर जो कर्मचारी आपके वहां पर मेन ऑक्सीजन जहां पर सप्लाई हो रही है, पूरा ऑक्सीजन का जो बना रखा है आपने कंपार्टमेंट, वहां से पता लगेगा। इसके लिए अलग, अरे तो मैं वही तो कह रहा हूं, ये बॉक्स टाइप बता रहा हूं ना मैं, ये बॉक्स हर वार्ड के अंदर लगा होता है, और इस बॉक्स के अंदर क्या लगा रहता है, पूरे मीटर लगे हुए रहते हैं। यहां पर प्रेशर पता पड़ता है आपको, और यहीं से आपको पता लग जाएगा कि प्रेशर कम है या ज्यादा। यहां पर बंद चालू के वाल्व भी रहते हैं बहुत सी बार, कि इस वार्ड को बंद कर दिया गया है तो वहां के ऑक्सीजन को क्लोज कर दिया जाए। क्लियर? समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं, या इसके अलावा भी और कुछ होता है? हाँ ओके okay, अरे सॉरी की बात नहीं है, क्वेश्चन आपका पूछने का काम है, आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछो। हो सकता है कुछ नई चीज आपने देखी हो, लेकिन जो मैंने देखी है आज तक और जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता है कि वॉर्ड आउटलेट के लिए प्रत्येक वार्ड के अंदर क्या लगा रहता है, एक बॉक्स जिसकी आप बात कर रहे हो। इस बॉक्स के अंदर मीटर होता है, जैसे सिलेंडर के अंदर प्रेशर होता है, वैसे ही यहां पर प्रेशर होता है जो आपको बताएगा कि जो सिलेंडर है उसके अंदर ऑक्सीजन है या नहीं है। और प्रॉपर रूप से जो आपको जानकारी मिलेगी वो तो कहां से मिलने वाली है, जो मेन उसका जहां से बना रखा है, जहां से पूरे हॉस्पिटल को सप्लाई हो रही है, वहां पे जो कर्मचारी है उससे पता लगेगा, और अलार्म सिस्टम होता ही है। क्लियर? चलिए बात करेंगे अपन ह्यूमिडिफिकेशन की। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको किसी पेशेंट को 2 लीटर से कम ऑक्सीजन देने की आवश्यकता है, तो आपको जरूरी नहीं है कि उसको आप क्या करें, ह्यूमिडिफाई करें, करना चाहिए, लेकिन यदि कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप कह सकते हो कि 2 लीटर पर मिनट से कम यदि किसी को ऑक्सीजन थेरेपी की आवश्यकता है तो उसको ह्यूमिडिफिकेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और 2 लीटर पर मिनट जो दिया जाएगा यह ओनली डिलीवर किया जा सकता है, किससे, नेजल कैनुला से। लेकिन यदि 2 लीटर पर मिनट से ज्यादा आपको किसी पेशेंट को क्या करना है, ऑक्सीजन यदि देना है, तो ऑलवेज किया जाना चाहिए क्या, ह्यूमिडिफिकेशन। क्योंकि ऑक्सीजन क्या करती है, ऑक्सीजन ड्राइज एंड डिहाइड्रेट द रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। जो आपका रेस्पिरेटरी म्यूकोसा होता है उसको ड्राई और इरिटेट करने का काम कौन करती है, ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट बात करने वाले हैं अपन, डिस्टिल्ड एंड स्टेराइल वाटर इज कॉमनली यूज टू ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ध्यान रखना कि ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई करने के लिए कौन से प्रकार के वाटर का यूज किया जाएगा,
तो आपका आंसर आएगा कि डिस्टिल वाटर और स्टेराइल वाटर का यूज किया जाना चाहिए, बिकॉज डिस्टिल वाटर और स्टेराइल वाटर जो होता है इसके अंदर किसी प्रकार के कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। लेकिन यदि आपने इसकी जगह टेप वाटर का यूज किया है तो पेशेंट को कई सारे कॉम्प्लिकेशन होने की संभावनाएं बन सकती है, और उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन आपने कोरोना के अंदर अभी सुना होगा, जिसका नाम क्या है, ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, क्योंकि जब ऑक्सीजन दी गई है तो ऑक्सीजन देने के लिए जो आपने वाटर ह्यूमिडिफाइड के लिए डाला है वो टेप वाटर डाल दिया, पेशेंट को बोल दिया आपने तो कि जाओ भैया इस बोतल को पानी से भर दो, उसको क्या पता बेचारे को कि इसमें स्टेराइल वाटर डालना है या डिस्टिल वाटर डालना है। वो तो टेप वाटर लेके आया, नल में से पानी भर के लाया और उसने बोतल को भर दिया, तो कहीं ना कहीं वहां से प्रॉब्लम क्रिएट होगी और पेशेंट को क्या हो सकता है, इंफेक्शन होने की संभावनाएं बन सकती है। बताओ आप लोग करते हो क्या ऐसा, करते हो क्या ऐसा, आपने बोतल उठाई और बोतल में भर दिया पानी किसी भी तरीके का। सेकंड में आपसे बात करना चाहूंगा प्रीकॉशंस फॉर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी किसी व्यक्ति को, हां ऐसा आपको नहीं करना है कभी भी। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा कि प्रीकॉशंस क्या क्या होने चाहिए ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के। तो सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि ऑक्सीजन का कॉन्स्टिट्यूट कितना होता है, 21% नॉर्मल एयर के अंदर। यह गैस टेस्टलेस होती है, अडरलेस होती है और कलरलेस होती है। सेकेंड बात करें कंजप्शन, यानी कि यह गैस बर्निंग का काम करती है। ऑक्सीजन ऑलवेज क्या काम करती है, बर्निंग का, या इसको कंबशन भी बोल सकते हैं। अवॉइड ओपन फ्लेम्स पेशेंट रूम, पेशेंट रूम के अंदर हमेशा आपको अवॉइड करना चाहिए किसको, ओपन फ्लेम्स को कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए कौन से टाइप के क्लोथ, सिंथेटिक। सिंथेटिक को अपन क्या बोलते हैं, कॉटन क्लोथ्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये एग्जांपल है आपके सामने डिस्टिल वाटर और स्टेराइल वाटर, ये दोनों वाटर के डायग्राम मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट देखिए, अवॉइड यूजिंग ऑयल्स इन द एरिया, ऑयल्स को भी आपको अवॉइड करना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि जहां पर ओपन फ्लेम से वहां से ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम लगभग कितने डिस्टेंस पर होना चाहिए, 10 फीट का डिस्टेंस होना जरूरी है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कि जिस भी वार्ड के अंदर या जिस रूम के अंदर पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी दी जा रही है, उस पेशेंट के रूम के बाहर आपको ऑक्सीजन थेरेपी का साइन बोर्ड लगा देना चाहिए कि इस पेशेंट को अंदर ऑक्सीजन थेरेपी दी जा रही है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आ गई हमारी मेथड्स के बारे में। मेथड्स को इंपॉर्टेंट तरीके से आपको समझना है। ऑटो एनरिचमेंट मॉनिटर न्यू वन, ओके देख लेते हैं अभी क्या होता है। चलो डायग्राम दिखा देता हूं एक बार आपको, नई चीज आपने बताई है, मैं भी देख लेता हूं क्या चीज है ये।
चलिए ठीक है, इसके बारे में मैं डिटेल से देख के बताऊंगा आपको कि ऑक्सीजन एनरिचमेंट मॉनिटर क्या होता है। इसमें मुझे थोड़ा डाउट है जो आप बोल रहे हो उसमें, और इसमें थोड़ा मुझे डाउट लगता है, हो सकता है ये मॉनिटर हो, लेकिन दोबारा मैं इसको आपको देखकर बताऊंगा। क्लियर? अभी जब पीडिया की क्लास हम लेंगे तो उसमें मैं आपको जब तक देख के इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं मेथड्स के बारे में। तो सबसे पहले नेजल कैनुला के बारे में बात करेंगे। नेजल कैनुला और नेजल प्रोंग क्या होता है? सेम होता है। नेजल कैनुला और नेजल प्रोंग सेम होता है, और ये होता है लो फ्लो। यानी कि किसी व्यक्ति को यदि लो फ्लो से आपको ऑक्सीजन थेरेपी देनी है तो आप नेजल कैनुला का यूज कर सकते हो। सेकंड बात करें, सिंपल एंड कंफर्टेबल एंड कॉमनली यूज डिवाइस। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है ये कि ऑक्सीजन थेरेपी देने का सबसे कॉमनली कंफर्टेबल मेथड कौन सा होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा? नेजल कैनुला या फिर नेजल प्रोंग। सेकंड बात करें, यूज्ड फॉर क्रॉनिक एयर फ्लो लिमिटेशन एंड लॉन्ग टर्म यदि आपको यूज करना है तो भी आप पेशेंट को क्या यूज कर सकते हो? नेजल कैनुला। फ्लो रेट कितनी होती है? क्वेश्चन यहां से भी पूछा गया है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि नेजल प्रोंग या नेजल कैनुला की फ्लो रेट कितनी होती है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 से 6 लीटर पर मिनट। लेकिन कभी एग्जाम्पल आंसर के अंदर जब आपसे कोई एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो उसके अंदर ये 1 से 4 लीटर पर मिनट भी इसका आंसर पूछ सकता है। तो देख रहा, यदि दोनों में से एक ऑप्शन आए तो वो आपको राइट करना ही है, लेकिन यदि दोनों ऑप्शन आ जाए तो 1 से 4 लीटर इट इज द बेस्ट आंसर। क्लियर? समझ गए क्या? 1 से 4 लीटर आपको इसका आंसर देना होगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड O2 कितनी होती है, FiO2 कितनी होती है, तो आंसर आएगा आपका 24 से लेकर 44% इसकी FiO2 मानी जाती है। क्लियर? अरे समझ आ रहा है कुछ? कहां गए सब? सब यही है। आप लोगों को समझ आ रहा है क्या? मैं दोबारा इसको रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि कल का क्लास आप लोगों ने कहा कि सर बिना बताए ले ली। मैंने सोचा कोई बात नहीं, दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। समझना, इंपॉर्टेंट चीजें अपन डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड, इसके एडवांटेज के बारे में बात करें, सिंपल एंड सेफ मेथड है, इजीली टॉलरेट कर लेता है पेशेंट इसको, इफेक्टिव फॉर लो कंसंट्रेशन, डज नॉट इंपेयर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। देखिए, जब भी नेजल कैनुला का आप यूज करोगे तो व्यक्ति को किसी भी प्रकार की खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दूसरा, इनएक्सपेंसिव और डिस्पोजेबल ये होता है। चलिए इसका डायग्राम देखिए, पहले डिसएडवांटेज देख लिए। Unable to use with nasal obstruction. यदि किसी व्यक्ति के nasal obstruction है तो उसके लिए आप nasal cannula का use नहीं कर सकते हो। Drying the mucous membrane, ये तो सभी method करेंगे लेकिन ये specially ये करेगा। Can dislodge easily अपने place से dislodge हो जाता है क्योंकि सिर्फ आपने इसको fix किया हुआ है तो patient के द्वारा कई बार इसको dislodge कर दिया जाता है। और second, may cause skin irritation और breakdown. ईयर और नेयर्स को स्पेशली स्किन को इरिटेट करने का काम करेगा। अब कैसे करेगा देखिए, अभी समझाता हूं आपको। ये रहा आपका नेजल कैनुला या नेजल प्रोंग। क्लियर? देखिए, ये जो दोनों ऑप्शन बनाए गए हैं इन दोनों को आपको कहां पर लगाना है? नॉस्ट्रिल्स के अंदर आपको फिक्स करना है। मैंने कहा स्किन का इरिटेशन, तो देखिए एक तो ये नॉस्ट्रिल्स को इरिटेट करेगा और एक ये ईयर वाली स्किन को इरिटेट करेगा। यदि ऐसा एग्जाम्पल ओके तो मैं भी तो यही बोल रहा हूं आपको कि अलार्म ही होता है और कुछ नहीं है, उसको मॉनिटर बोल सकते हो आप। क्लियर? ऑटो इनरिचमेंट मॉनिटर, ऑटो इनरिचमेंट का मतलब होता है ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होने पर वो आपको बताएगा, उसको ऑटो इनरिचमेंट मॉनिटर कहते हैं, उसको खत्म होने पर नहीं कहते हैं। ये मुझे डाउट है थोड़ा सा कि आपने जो ऑटो इनरिचमेंट मॉनिटर बताया है, ये ऑटो इनरिचमेंट मॉनिटर अलग टाइप का मॉनिटर होता है।
क्लियर। इसके बारे में अभी बताऊंगा आपको मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं पहले उसको देख लो। क्लियर। नेजल कैनुला का यदि आपके एग्जाम के अंदर किसी प्रकार का इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है तो इसको आप, अरे हाँ मैं बता दूंगा मैं अभी पढ़ने के बाद, एक बार मुझे देखने तो दो। क्लियर। जो चीज पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं उसको देखो पहले, यह इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आज तक पूछे गए, ये ऐसा कभी नहीं पूछा गया है कि ऑक्सीजन खत्म होने पर कौन सा सायरन की आवाज आएगी या कौन सा मॉनिटर क्या होता है। आ सकता है तो मैं अभी देख के आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो इसको देखो पहले, इमेज देखकर समझ जाओगे, इमेज देखकर पता लग जाएगा कि किसका इमेज दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सेकंड बात करते हैं अपन नेजल कैथेटर, सेकंड मेथड की बात करेंगे अपन, मेथड कौन सा होगा नेजल कैथेटर। देखिए ये सेम एस कैनुला की तरह होता है, डिफरेंस क्या होगा, चेंज द पोजिशन इन टू अपोजिट नॉस्ट्रिल्स एवरी 8 आवर। क्वेश्चन यहां से बनेगा कि नेजल कैथेटर को कितने समय में चेंज किया जाना चाहिए, तो आपका आंसर क्या आएगा, 8 आवर के अंदर। क्लियर। सेकंड बात करेंगे इसको मीजर कहां से किया जाता है, तो टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब से इसको क्या किया जाएगा, मीजर किया जाएगा। इंसर्टेड कहां से किया जाएगा, 1 नॉस्ट्रिल से आपने इंसर्ट किया और ओरोफेरिंग्स तक इसको लेकर जाना है। मीजर कैसे करना है, टिप ऑफ द नोज से लेके ईयर लोब तक आपको मीजर करना होगा। देखिए अभी डायग्राम भी दिखा दूंगा आपको, ये रहा आपके सामने नेजल कैथेटर। इस नेजल कैथेटर को आपको क्या करना होगा, पहले तो मीजर करना है। कैसे मीजर करना है, इधर से मीजर करते हुए आपको ईयर लोब और ईयर लोब से ईयर लोब तक ले जाने के बाद इसको इंसर्ट कराना है आपको नोस्ट्रिल से कहां पर, ओरोफेरिंग्स तक। क्लियर। और इसको एक ही नोस्ट्रिल्स के अंदर इंसर्ट करवाना होगा और एवरी 8 आवर, कितना बताया मैंने, एवरी 8 आवर आपको नोस्ट्रिल्स की पोजिशन को चेंज करना पड़ेगा। यदि फर्स्ट में आपने राइट में डाला है तो 8 आवर के बाद या 8 आवर के बाद आपको किसके अंदर डालना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स के अंदर। समझ गए बात मेरी, कैथेटर को चेंज नहीं करना है, कैथेटर को चेंज नहीं करना है, साइट को चेंज करना है। कैथेटर को चेंज नहीं करना है आपको, मेनली किसको चेंज करना है, साइट को चेंज करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेजल कैनुला हाई फ्लो। पहले अपन ने जो नेजल कैनुला पढ़ा वो लो फ्लो था, अब अपन हाई फ्लो वाला नेजल कैनुला देख रहे हैं। देखिए क्या होगा, यूज्ड फॉर हाइपोक्सेमिक क्लाइंट इन माइल्ड टू मॉडरेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ऐसे पेशेंटों के लिए यूज किया जाएगा नेजल कैनुला हाई फ्लो जिनके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम है और उन पेशेंट को मॉडरेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, तो क्या यूज किया जाएगा, नेजल कैनुला विद हाई फ्लो। सेकेंड बात करेंगे, कंफर्टेबली डिलीवर्स हाई फ्लो ऑफ हीटेड एंड ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन थ्रू ए वाइड बोर नेयर्स। इसके अंदर क्या होगा अभी दिखाऊंगा मैं, नेजल कैनुला जो लो फ्लो होता है उसके अंदर जो ओपनिंग होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती है, जबकि जो नेजल कैनुला हाई फ्लो है इसके अंदर नोस्ट्रिल्स वाली ओपनिंग क्या होती है, लार्ज होती है। सिर्फ इतना सा आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड बात करें अपन, कैन डिलीवर नेजल फ्लो रेट अप टू, तो यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, नेजल कैनुला हाई फ्लो रेट से कितनी ऑक्सीजन आप दे सकते हो, तो 50 से 60 लीटर पर मिनट आप ऑक्सीजन नेजल कैनुला विद हाई फ्लो से दे सकते हो। क्लियर। अरे याद रख लोगे इस पॉइंट को, नेजल कैनुला हाई फ्लो से कितना लीटर पर मिनट दिया जा सकता है, तो आंसर आएगा 50 से लेकर 60 पर मिनट। ये रहा आपका नेजल कैनुला हाई फ्लो। देखो इसके वाइट बोर है और ये जो व्हाइट बोर्ड दिए हुए हैं इसको हाई फ्लो के रूप में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड अपन देखेंगे मास्क, और मास्क के अंदर सबसे पहला मास्क कौन सा है आपका, सिंपल फेस मास्क। सिंपल फेस मास्क के बारे में क्या कहा गया है, इमरजेंसी और शॉर्ट टर्म के रूप में इसको यूज किया जा सकता है। सेकेंड, मिनिमम फ्लो रेट कितनी होती है फेस मास्क की, तो 5 लीटर पर मिनट needed to flush CO2 from mask। आवश्यक होता है क्या कि मास्क के द्वारा CO2 को फ्लश किया जाना चाहिए। सेकेंड बात करेंगे, टोटल फ्लो रेट की बात करें तो क्वेश्चन यहां से कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि सिंपल फेस मास्क की फ्लो रेट कितनी होती है, तो 5 से 8 लीटर
पर मिनट, और इसका FiO2 कितना होता है 40 से 60 पर मिनट। सबसे इंपॉर्टेंट देखो ऑक्सीजन थेरेपी में यही है कि विभिन्न प्रकार के जो मेथड्स हैं उनके फ्लो रेट को आपको पता रखना होगा। सेकंड बात करेंगे एडवांटेज क्या क्या होते हैं, तो कभी भी आपको शॉर्ट पीरियड के लिए और इमरजेंसी सिचुएशन में यदि ऑक्सीजन थेरेपी देनी है तो आपको सिंपल सा कौन सा मेथड यूज करना है, सिंपल फेस मास्क। कौन सा करना पड़ेगा, सिंपल फेस मास्क। पेशेंट को आपको ट्रांसपोर्ट करना है, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल लेकर जाना है, तो कौन से मास्क का यूज किया जाएगा, सिंपल फेस मास्क का। क्लियर, ये रहा आपके सामने सिंपल फेस मास्क, ये पूरा सिंपल फेस मास्क है। इसके अंदर ये ओपनिंग बनाई गई है जहां से आप क्या कर सकते हो, CO2 का रिटेंशन जो हो रहा है उसको रिमूव कर सकते हो। क्लियर, अरे समझ में आ रहा है क्या। चलिए सिंपल फेस मास्क के डिसएडवांटेज देख लिए जाए कि क्या क्या डिसएडवांटेज होता है। तो देखिए ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है किसके अंदर, जो पेशेंट CO2 का रिटेंशन कर रहे हैं वहां पर सिंपल फेस मास्क का यूज नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइकेट्रिक डिसऑर्डर यानी कि फियर। कौन सा फियर देखने को मिलता है सिंपल फेस मास्क के द्वारा, तो आंसर आएगा क्लस्ट्रोफोबिया। व्हाट मीन क्लस्ट्रोफोबिया, मतलब एक क्लोज्ड प्लेस के द्वारा आपको होने वाला फियर कौन सा कहलाएगा, क्लस्ट्रोफोबिया। क्योंकि क्या होता है कि जब आप पेशेंट को मास्क लगाओगे तो उसका पूरा फेस क्या है, कवर हो जाएगा, एक बंद बंद सा उसको लगेगा, और उसको लगेगा कि मेरी नोज और माउथ को पूरी तरीके से क्लोज कर दिया गया है, इसलिए पेशेंट को डेवलप हो जाएगा क्या, क्लस्ट्रोफोबिया, यानी कि क्लोज प्लेस से फियर होना, क्लोज प्लेस से फियर होना क्या कहलाएगा, क्लस्ट्रोफोबिया। क्लियर, सेकंड बात करेंगे सिंपल फेस मास्क हमेशा इंटरप्टेड करेगा किसी भी पेशेंट के ईटिंग और ड्रिंकिंग के अंदर। यदि कोई पेशेंट खाना पीना चाहता है तो बार बार उसको फेस मास्क को हटाना पड़ेगा। क्लियर, ये कंडीशन नेजल कैनुला में नहीं थी। सेकंड, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि जब मास्क लगा हुआ रहेगा तो पेशेंट को सीक्रेशंस आएंगे, और यदि सीक्रेशंस एकदम आ गया, सडन सीक्रेशंस आ गए और पेशेंट यदि मास्क को रिमूव नहीं कर पाया तो बताओ वो एस्पायरेट कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है। चलिए सेकंड अपन नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे। कल देखो यहां तक ही मैंने आपको पढ़ाया था, अब यहां से न्यू मेथड के बारे में अपन स्टार्ट करने वाले हैं। और फर्स्ट आपके सामने मास्क के अंदर फर्स्ट सिंपल फेस मास्क था और सेकंड था आपका पार्शियल रीब्रीदर मास्क। सेकंड ऑप्शन क्या था आपका, पार्शियल रीब्रीदर मास्क। देखो इसके बारे में भी बात करते हैं अपन, पार्शियल रीब्रीदर मास्क क्या कहता है कि ये मास्क विद रिजर्वायर बैग। सबसे पहले आप यही समझ जाना कि जिस भी मास्क के अंदर रिजर्वायर बैग होता है वो कौन सा मास्क कहलाएगा, पार्शियल रीब्रीदर मास्क। देट अलाउ 1/3 ऑफ एक्सहेल एयर टू बी रीब्रीथ। देखिए सिंपल सा मीनिंग समझना है, एक रिजर्वायर बैग होगा जिसके अंदर 1/3 जो आप एक्सहेल एयर करोगे, आप एयर वापस बाहर रिमूव करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 1/3, और उसको ही वापस आप क्या कर रहे हो, रीब्रीथ कर रहे हो। वो कौन से मास्क के अंदर होता है, पार्शियल रीब्रीथ मास्क के अंदर। अभी डायग्राम दिखा दूंगा। यूजफुल व्हेन द ओ2 कंसंट्रेशन नीड्स टू बी रेस्ट नॉट यूजुअली प्रेस्क्राइब्ड COPD। कभी भी COPD वाले मरीज में पार्शियल रीब्रीदर मास्क का यूज नहीं किया जाता है। आंसर पूछा जा सकता है कि COPD वाले मरीज में कौन सा मास्क यूजफुल नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, पार्शियल रीब्रीदर मास्क, क्योंकि इसके अंदर एक्सहेल एयर को वापस रीब्रीथ किया जाता है और यह पेशेंट के लिए नुकसानदायक हो सकता है। नेक्स्ट देखिए फ्लो रेट कितनी होती है पार्शियल रीब्रीदर मास्क की, तो आंसर आएगा आपका 6 to 15 लीटर पर मिनट। क्या आंसर आएगा, 6 to 15 लीटर पर मिनट। और FiO2 कितनी होती है, 70 से 90%। समझ गए, ओके। बात करते हैं नॉन रीब्रीदर मास्क की। पहले किसकी बात करी, पार्शियल रीब्रीदर,
नेक्स्ट अपन बात करेंगे नॉन रीब्रीदर मास्क, डिफरेंस क्या होता है। देखिए ए मास्क विद द रिजर्वायर बैग, इसके अंदर भी रिजर्वायर बैग होगा, लेकिन क्या होता है इसके अंदर एक वन वे वॉल्व होता है, उसके अंदर वॉल्व नहीं था। और नॉन रीब्रीदर के अंदर एक वॉल्व होता है जो प्रिवेंट करता है किसको, इंट्रेंस रूम एयर, जो बाहर की जो रूम एयर है उसको आने से रोकने का काम करता है, कौन सा, वन वे वॉल्व। क्लियर, कौन से मास्क के अंदर, नॉन रीब्रीदर, कब करेगा, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, जब व्यक्ति सांस ले रहा है तो सांस लेते समय बाहर की जो एनवायरमेंट की जो एयर है उसको रोकने का काम करेगा, कौन सा, वन वे वाल्व, जो कि किसके अंदर होता है, नॉन रीब्रीदर मास्क के अंदर। एंड रिटेंशन ऑफ एक्सहेल्ड गैसेस ड्यूरिंग एक्सपीरेशन, और क्या करेगा, रिटेंशन करेगा किसको, एक्सहेल्ड गैसेस ड्यूरिंग द एक्सपीरेशन। समझ गए, बताओ समझ गए, पार्शियल और नॉन रीब्रीदर के अंदर डिफरेंस, अभी डायग्राम भी दिखा दूंगा, पहले बताओ क्लियर हो गया लैंग्वेज से कि डिफरेंस क्या होता है दोनों में। अरे बोलो बोलो यार, बाद में कहोगे फिर कि सर ढंग से नहीं पढ़ाया आप, बोल दोगे एग्जाम में नहीं कर पाए तो फटाफट ब्लेम कर दोगे, डिफेंस मैकेनिज्म अपना लोगे आप कि सर आपको पढ़ाना ही नहीं आता है, फिर क्या बोलूंगा मैं, मैंने तो पढ़ाया था। अभी भी कोई नहीं बोल रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ओके चलिए। देखिए इसकी फ्लो रेट कितनी होती है, 10 से 15 पर मिनट, 10 से 15 लीटर पर मिनट। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाईएस्ट मेथड क्वेश्चन यहां से बनेगा कि ऑक्सीजन थेरेपी को देने का सबसे हाईएस्ट मेथड कौन सा है, ऐसा मेथड कौन सा है जिससे हाईएस्ट लेवल पर ऑक्सीजन थेरेपी दी जा सकती है मास्क के अंदर, तो आपका आंसर क्या आएगा, नॉन रीब्रीदर मास्क। क्लियर, क्वेश्चन यहां से बनेगा, क्वेश्चन यहां से बनेगा कि सबसे बेस्ट में सबसे हाईएस्ट फ्लो रेट से देने वाला मास्क का मेथड कौन सा है, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, नॉन रीब्रीदर मास्क, जिससे आप 10 से 15 लीटर पर मिनट क्या दे सकते हो, ऑक्सीजन दे सकते हो। सेकंड क्या है, मोस्टली यूज्ड डिटोरिएटिंग स्टेटस एंड रिक्वायर इंट्यूबेशन, जब किसी व्यक्ति को इंट्यूबेशन की आवश्यकता होती है तो कौन से मास्क का यूज किया जाता है, तो आपका आंसर आएगा नॉन रीब्रीदर मास्क। देखो यहां पर डिफरेंस हो गया दो, फर्स्ट तो हाईएस्ट मेथड के रूप में किसको जाना जाएगा, नॉन रीब्रीदर को, दूसरा जब भी किसी व्यक्ति को इंट्यूबेशन करना पड़ रहा है, ट्रेकियोस्टोमी डाल रहे हो, एंडोट्रेकियल डाल रहे हो या एयरवे डाल रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नॉन रीब्रीदर मास्क का यूज करना पड़ेगा। देखिए ये डिफरेंस रहा, अब देखो इसमें डिफरेंस समझाता हूं मैं आपको। फर्स्ट जो मास्क आपने देखा ये कौन सा है, ए और बी वाला, वॉल्व किसके अंदर था, तो वॉल्व था आपका नॉन रीब्रीदर मास्क के अंदर, नॉन रीब्रीदर मास्क, क्लियर। और ये था आपका पार्शियल मास्क, पार्शियल ब्रीदर मास्क, क्लियर। देखिए डिफरेंस क्या होगा, यहां से एक्सपायर्ड गैस बाहर आ गई, इसके अंदर क्या हो रहा है, मिक्स्ड इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड गैस, दोनों गैसेज इसके अंदर मिक्स हो रही है, क्लियर। लेकिन इसके अंदर किसी भी प्रकार की गैस मिक्स नहीं हो रही है, क्योंकि ये जो वॉल्व है ये एनवायरमेंट की एयर को अंदर नहीं आने देगा, ये सिर्फ जो एक्सहेल की हुई है उसी एयर को यूज करेगा, जो आई है वही एयर यहां पर घूमती रहेगी, क्लियर। लेकिन इसमें बाहर की एयर भी आ सकती है, इसके लिए इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड गैस जो है वो सारी क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, क्लियर। डायग्राम देख के पता लगा लोगे, सिर्फ ध्यान रखना है कि जब आपसे बोल दिया जाए कि वॉल्व वाला है तो आपके अंदर ध्यान रखना है क्या, नॉन रीब्रीदर मास्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वेंचुरी मास्क, वेंचुरी मास्क को ही कहा जाता है वेंटी,
और इसी को कहा जाता है एयर इंट्रेनमेंट और डीप पॉट मेथड। देखो इसके कई सारे नाम है, इसको ध्यान रखना, वेंचुरी, वेंटी, एयर इंट्रेनमेंट, डीप पॉट मेथड। क्लियर, इसके बारे में बात करते हैं। ये एक मास्क विद वेंचुरी डिवाइस, इसके अंदर क्या होती है, वेंचुरी डिवाइस होती है जो क्या करती है, अलाउ करती है स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ रूम एयर टू बी इंटर इनटू द सिस्टम, यूज्ड फॉर क्लाइंट्स एट रिस्क फॉर एन एक्सपीरियंसिंग एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर। एक्यूट रेस्पिरेटरी यदि किसी को फेलियर हुआ है तो आप यूज कर सकते हो किसका, वेंचुरी मास्क का। सेकेंड बात करेंगे फ्लो रेट कितनी होती है, तो 4 से लेकर 12 लीटर पर मिनट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो रेट भी इसकी आपको ध्यान में रखनी है। FiO2 24 से 60%, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड। आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि मास्क का सबसे मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है ऑक्सीजन डिलीवर का, तो आपका आंसर आएगा वेंचुरी मास्क। मैं पूछ लूं हाईएस्ट कंसंट्रेशन वाला मेथड कौन सा है, तो आपका आंसर आएगा क्या, नॉन रिब्रीदर मास्क। क्लियर, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना। यूज आइदर और ग्रेजुएटेड डायल सेट टू डिजायर्ड ऑक्सीजन और कलर एडेप्टेड सेलेक्टेड टू डिलीवर डिजायर्ड फ्लो ऑफ ऑक्सीजन। देखो वेंचुरी मास्क के अंदर कलर एडेप्टर के हिसाब से ऑक्सीजन फ्लो दिया जाता है। अभी बताने वाला हूं कि कैसे कलर एडेप्टर के द्वारा डिसाइड किया जाता है। सपोज करो कि किसी व्यक्ति को, अभी बताता हूं कलर एडेप्टर का मतलब। देखो ये वेंचुरी मास्क है आपका, क्लियर, यहां पर ये कलर एडेप्टर लगाया जाएगा, और ये जितने भी कलर एडेप्टर हैं ये सारे अलग अलग फ्लो रेट के होते हैं। जैसे आपका ग्रीन लगाया आपने तो ग्रीन की फ्लो रेट अलग है, पिंक लगाया इसकी अलग है, रेड लगाया इसकी अलग है। अब देखो इसमें जो अलग अलग एडेप्टर है इनकी फ्लो रेट कितनी होती है, उसके बारे में अपन बात करेंगे, और यहां से एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है। देखो यदि आपने ब्लू कलर का एडेप्टर, अब बात करना पहले सुनो, ब्लू कलर की बात करता हूं, और यहां पर यदि मैंने ब्लू कलर का एडेप्टर लगाया है मतलब क्या होगा कि व्यक्ति को आपको 2 लीटर पर मिनट फ्लो रेट से ऑक्सीजन देनी है। FiO2 कितनी होगी, 24%। क्लियर, यदि आपने व्हाइट एडेप्टर लगाया है तो इसकी फ्लो रेट कितनी होगी, 4, और FiO2 कितनी होगी, 28। FiO2 ऑलवेज मीजर परसेंटेज और फ्लो रेटर लीटर पर मिनट। क्लियर, ऑरेंज यदि आपने लगाया है तो फ्लो रेट होगी 6 और FiO2 होगी 31। यदि आपने येलो कलर को यूज किया है तो 8 इसकी फ्लो रेट, 35 इसकी FiO2। यदि आपने रेड कलर का यूज किया है तो 10 इसकी फ्लो रेट और 40 FiO2। और ये प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि जब आपने वेंचुरी मास्क के अंदर रेड कलर का एडेप्टर यूज किया है तो बताइए इसकी फ्लो रेट और FiO2 कितनी होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 लीटर पर मिनट और 40%। क्लियर, नेक्स्ट बात करूं कि यदि ग्रीन कलर का आपने यूज किया है तो फ्लो रेट होगी 15 और FiO2 कितनी होगी, 60%। क्लियर, ये पूरी टेबल बना दी है, इससे आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, मैं जो पेन से बना रहा हूं आपको लिखने में दिक्कत तो नहीं है, जो मैं मार्किंग कर रहा हूं पेन से इससे आपको दिक्कत तो नहीं आ रही है अपने नोट्स बनाने में। क्लियर, समझ गए इस चीज को, ये वेंचुरी मास्क के अंदर आपको यूज करना पड़ेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड वाला पहले पूछा गया है, अब एग्जाम में कोई सा भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको सब ध्यान रखना है। 2, 4, 6, 8, 10, 15, चलो इसका मेनोमेनिक बता देता हूं आपको, BWO YRG से आप इसको याद रख लेना, BWO YRG से आप इसको याद रख लेना, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 24, 28, 31, 35, 40, 60। क्लियर, समझ जाओगे, 2, 4, 6, 8, 10, 24, 28, 31, 35, 40, 60 इसकी FiO2। क्लियर, वेरी गुड, बेस्ट स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करेंगे, आपका ट्रेकियोस्टोमिक कोलर T-bar and T-piece। क्लियर, ध्यान रखना यहां पर कंफ्यूज होगा, ये T-bar और T-piece यूज किया जाएगा ट्रेकियोस्टोमी के अंदर, और इसी प्रकार एक होती है T-tube,
और टी ट्यूब को कहां पर यूज करेंगे, बाइल के वाली कंडीशन में, जब गाल ब्लैडर का ऑपरेशन होता है तो वहां पर टी ट्यूब का उपयोग किया जाता है। यहां पर टी ट्यूब नहीं आएगी, यहां पर टी बार और टी पीस का नाम लिया जाएगा। टी ट्यूब आता है तो डायरेक्ट आपको ड्रेनेज में जाना है, यह बात आपको ऑलवेज ध्यान रखनी है। क्लियर, क्लियर बेस्ट स्टूडेंट्स, ओके। चलिए इसके बारे में बात करेंगे। इट इज यूज टू डिलीवर हाई ह्यूमिडिटी एंड द डिजायर्ड ओ2 टू द क्लाइंट विद ए ट्रेकियोस्टॉमी। कब यूज करते हैं टी ट्यूब का, टी बार का? ऑलवेज ट्रेकियोस्टॉमी जब पेशेंट का किया जाएगा तब आपको इसका यूज करना है। किसका? टी बार। टी पीस इज यूज टू डिलीवर द डिजायर्ड FiO2 टू द क्लाइंट विद ए ट्रेकियोस्टॉमी, लेरिंजोटॉमी और एंडोट्रेकियल ट्यूब। कहां कहां पर यूज है ट्रेकियोस्टॉमी, लेरिंजोटॉमी और एंडोट्रेकियल ट्यूब? देखिए मैंने डायग्राम बताया आपको, ये रही आपकी टी पीस, दिख रही है आपको, ये आपकी टी पीस रही और ये आपका ट्रेकियोस्टॉमिक कॉलर है। यहां से आपको टी पीस के द्वारा आप ऑक्सीजन दे सकते हो, एक से आप ऑक्सीजन दे रहे हो और दूसरे आप नेबुलाइजेशन कर रहे हो। टी पीस का मतलब क्या है? टी का मतलब देखो आप, ये टी हो गया, ये टी हो गया, यानी का क्या मतलब होगा कि आपने इधर से ऑक्सीजन दे रहे हो, इधर से नेबुलाइजेशन दे रहे हो और ये दोनों कहां पर जा रहे हैं? ट्रेकियोस्टॉमी में। समझ गए मेरी बात? बोलो भाई। सर की तरह क्रिस्टल क्लियर है क्या? ताऊ सर क्या बोलते हैं, क्रिस्टल क्लियर? वैसे क्लियर है आपको? ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं फेस टेंट की बात। फेस टेंट की बात करें तो ये क्या डायग्राम दिखाया मैंने आपको, फेस टेंट मतलब कब यूज किया जाएगा, जब किसी व्यक्ति को फेशियल ट्रोमा हो गया है या बर्न हो गया है। देखो यदि किसी को फेस का बर्न है या फेशियल ट्रोमा हो गया है तो किससे ऑक्सीजन दी जाएगी? फेस टेंट के द्वारा। फ्लो रेट कितनी होती है? 4 से 8 लीटर पर मिनट। फ्लो रेट सभी मेथड्स की याद कर लेना। और FiO2 होती है 30 से 50%। सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है कि बर्न और कौन से केसेस के अंदर यूज किया जाएगा, फेशियल ट्रोमा वाले केसेस के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे O2 टेंट। O2 टेंट का मतलब क्या होगा? देखिए ये पूरा बेड है और इस बेड पर आपने क्या लगा रखा है, पूरा टेंट। शादियों में गए होंगे आप, शादियों में गए होंगे, पूरा टेंट लगाया जाता है और उस टेंट के बीच में इंसान अपना काम करते हैं। टेंट के नीचे बैठकर मंडप सजाया जाता है और उस मंडप के अंदर दूल्हा और दुल्हन के फेरे कराए जाते हैं। उसी प्रकार से मरीज को बेड पर लिटाया जाएगा और लिटाने के बाद पूरे बेड के अंदर उस कैनोपी से उसको फिक्स करके ऑक्सीजन थेरेपी दे दी जाएगी। क्लियर? बोलो भाई। तो देखिए प्लास्टिक की कैनोपी होती है और फिटेड की जाती है कहां पर? पेशेंट के बेड पर। लेकिन यहां पर ये किसके लिए यूज किया जाएगा? पीडियाट्रिक यूज, वेरी इंपॉर्टेंट। पीडियाट्रिक यानी कि बच्चों को ऑक्सीजन थेरेपी देने के लिए यूज किया जाने वाला मेथड कौन सा होता है? O2 टेंट। फ्लो रेट कितनी होगी? 10 से 15 लीटर पर मिनट। क्लियर? और FiO2 कितना होने वाला है? 30%। ठीक है, हां, खाना भी खिलाया जाता है। नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे, O2 हुड। नेक्स्ट मेथड कौन सा है? O2 हुड। और ये रहा आपका ऑक्सीजन हुड। जिन्होंने NICU के अंदर काम किया होगा उनको पता होगा, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर यदि आपने काम किया है तो आपको पता होगा कि बच्चों के अंदर ऑक्सीजन हुड का यूज किया जाता है। सबसे पहले यह प्लास्टिक डॉम होता है जिसमें इंक्लोज किया जाता है बच्चे के हेड को। फ्लो रेट कितनी होती है? 10 से 15 लीटर पर मिनट। और 80 to 90% इसका क्या होता है? FiO2, वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ बच्चों में यूज किया जाता है क्या? ऑक्सीजन हुड। क्लियर? सेकेंड अपन बात करें ट्रांसट्रेकियल कैथेटर मेथड, यानी कि ट्रेकिया के अंदर ओपनिंग करके डायरेक्ट आपने कोई कैथेटर इंसर्ट करवा दिया है तो मेथड कौन सा कहलाएगा? ट्रांसट्रेकियल कैथेटर मेथड। ठीक है, देखिए इस कैथेटर को पास किया जाता है ट्रेकिया थ्रू द स्टोमा। जैसे आपने ट्रेकियोस्टॉमी के लिए क्या किया था, स्टोमा बनाया था,
वैसे आपको स्टोमा बनाना है और कैथेटर को इंसर्ट करवाना है। फ्लो रेट कितनी होगी? 1/4 से लेकर 4 लीटर पर मिनट, और FiO2 होगी 22 से लेकर 45 लीटर पर मिनट इसकी FiO2 होने वाली है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, कुछ स्पेशल पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूं मैं ऑक्सीजन थेरेपी के रिगार्डिंग, जहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर कितना होता है। तो 2200 पाउंड पर इंच स्क्वायर ऑक्सीजन थेरेपी जो आप दे रहे हो विद सिलेंडर, सिलेंडर का प्रेशर कितना होगा? तो 2200 पाउंड पर इंच स्क्वायर होगा, और यदि इसको किलोग्राम में देखा जाए तो 1000 किलोग्राम पर इंच स्क्वायर आपको इसका प्रेशर देखने को मिलेगा। सेकंड में बात करता हूं कि जो वॉल आउटलेट की हमने बात करी, जो सेंट्रल लाइन लगाई हुई होती है वॉल पर, उसके अंदर प्रेशर कितना होगा? तो 50 से 60 पाउंड पर इंच स्क्वायर होगा। क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे, O2 सपोर्ट करती है हमेशा किसके अंदर? बर्निंग और कंजप्शन के अंदर। थर्ड बात करेंगे, ह्यूमिडिफाइड बोतल को नाम से जाना जाता है, कौन सी बोतल? वॉल्फ बोतल। और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 1 लीटर इसके अंदर वाटर फिल किया जा सकता है, लेकिन हमेशा आपको फिल करना होता है कितना? 2/3 पोर्शन। 2/3 पोर्शन से ज्यादा यदि आप बोतल को फुल करते हो तो ऑक्सीजन के साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर वाटर चला जाएगा और पेशेंट को वो डेथ कर सकता है। इसलिए 2/3 आपको फिल्ड कर रही है किससे? स्टेराइल और डिस्टिल वाटर से। नेक्स्ट बात करेंगे, इट विल प्रिवेंट ड्राइंग एंड इरिटेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा एंड लूजन द सीक्रेशंस फॉर इजी एक्सपेक्टोरेशन। ये किसका रीजन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन देते समय ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाइड क्यों किया जाता है? 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया है और वापस आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट आंसर होगा प्रिवेंट ड्राइंग एंड इरिटेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा एंड सीक्रेशंस को लूज करने के लिए भी आपको ह्यूमिडिफिकेशन की आवश्यकता होती है। क्लियर? समझ जाना। नेक्स्ट बात करूंगा कुछ कलर ऑफ वेरियस गैस सिलेंडर। कई सारे गैस सिलेंडर होते हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कौन सा होता है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ये आपका ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, इसका ऊपर का जो टॉप कलर है ये तो व्हाइट कलर का होगा और पूरा किस कलर का होगा? ब्लैक कलर का। यानी कि टॉप जो होता है वो व्हाइट कलर और बॉटम जो होता है ब्लैक कलर का होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड बात करूं CO2 का, तो CO2 का कलर कैसा होता है? ग्रे कलर का। कौन से कलर का सिलेंडर होगा? ग्रे कलर का। लेकिन इस CO2 गैस का उपयोग कहां किया जाता है? तो लेप्रोस्कोपी और एंडोस्कोपी के अंदर। देखो क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है कई बार कि लेप्रोस्कोपी और एंडोस्कोपी के दौरान कौन सी गैस का यूज किया जाएगा। तो देखो मैंने आपको यहां पर भी बता भी दिया है कि लेप्रोस्कोपी और एंडोस्कोपी के दौरान यूज की जाने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड बात करूं आपसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट। N2O का भी कई बार कलर क्वेश्चन पूछा गया है कि सिलेंडर का कलर क्या होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा? ब्लू। अब देखो यदि एग्जामिनर आपसे लाइट ब्लू दे दे, डार्क ब्लू दे दे, तो भी आंसर आपका क्या आएगा? ब्लू। और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उपयोग कहां पर किया जाता है? एनेस्थीसिया में। किसी भी व्यक्ति को एनेस्थीसिया देना है तो आपको यूज किया जाएगा क्या? नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, अपन इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हीलियम। हीलियम गैस के सिलेंडर का कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर का। हीलियम का कौन सा होता है? ब्राउन कलर का। कहां पर यूज की जाती है? ड्यूरिंग MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। जब भी किसी व्यक्ति की MRI की जाएगी तो MRI के दौरान यूज की जाने वाली गैस कौन सी होती है? हीलियम। सिलेंडर का कलर कौन सा होता है? ब्राउन कलर। बात करेंगे साइक्लोप्रोपेन। व्हाट इज द साइक्लोप्रोपेन? इट इज द टाइप ऑफ गैस जिसके सिलेंडर का कलर कैसा होता है? ऑरेंज कलर। और जनरल एनेस्थीसिया के अंदर यूज की जाती है कौन सी गैस? साइक्लोप्रोपेन। बताओ क्लियर है? बोलो भाई क्लियर है क्या? पूरा ऑक्सीजन थेरेपी क्लियर है? आया मजा पढ़ने में?
ये रहा कलर, देखिए ये आपका रहा कौन सा, ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया। बताओ ये कौन सा है, ग्रे कलर, ग्रे कलर का सिलेंडर कौन सा होगा, आंसर देते जाइए फटाफट। ब्लू कलर N2O का हो गया, बताओ ये कौन सा कलर, बताओ ये कौन सा कलर। कलर देके यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आंसर दे सकते हो आप सभी, कलर सिलेंडर दे दिया जाए तो आंसर दे सकते हो क्या, तो आप इनके आंसर अपने आप दे देना, ठीक है वेरी गुड। नेक्स्ट बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन, जो टॉक्सिसिटी की आप बात कर रहे थे कि ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी के बारे में, तो देखिए बात करते हैं टॉक्सिसिटी। सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है ऑक्सीजन का, तो आंसर आएगा रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लाशिया, इसी को कहा जाता है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, और इसी को कहा जाता है टेरी सिंड्रोम। तीन कॉम्प्लिकेशन सेम नाम है, रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लाशिया, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी और टेरी सिंड्रोम। कैसे होगा देखो, प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न के अंदर जब आप किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन थेरेपी ज्यादा दोगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ग्रोथ ऑफ ब्लड वेजल्स ऑफ आई कॉजिंग स्कारिंग एंड रेटिनल डिटैचमेंट रिजल्ट इन ब्लाइंडनेस। जो आपकी ब्लड वेजल्स होती है आईज के अंदर, उनकी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाएगी किसके अंदर, प्रीमेच्योर बेबी के अंदर, और जब एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाएगी तो स्कारिंग और रेटिनल डिटैचमेंट हो जाएगा, जिसका रिजल्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्लाइंडनेस, ड्राइनेस ऑफ म्यूकोसा देखने को मिलता है, इंफेक्शन आपको देखने को मिलता है। और दूसरा ध्यान रखना कि ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी कब होती है, ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी का जो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी कब होती है, जब 60% से ज्यादा ऑक्सीजन कंटिन्यू 24 आवर तक किसी मरीज को दी जा रही है तो उस व्यक्ति को ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी होने की संभावना बनेगी। कब, ऑटो टॉक्सिसिटी हो जाएगी कि 60% से ज्यादा ऑक्सीजन आप जब पेशेंट को कंटिन्यू 24 आवर तक दे रहे हो। सेकेंड बात करेंगे ऑटो इंड्यूस्ड एपनिया ड्यू टू ऑक्सीजन CO2 वॉश आउट फ्रॉम द लंग्स। ऑक्सीजन जब आप ज्यादा दोगे तो CO2 क्या हो जाएगी, बॉडी से वॉश आउट हो जाएगी, उस कंडीशन में ऑटो एपनिया हो सकता है, और ऑटो इंड्यूस्ड एटलेक्टेसिस भी हो सकता है, क्योंकि N2 जो हो जाएगी वो वास्ट हो जाएगी और लॉस हो जाएगा पार्शियल प्रेशर, सो एटलेक्टेसिस भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक और आपको बता दूं मैं, पॉल बर्ट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, और पॉल बर्ट इफेक्ट क्या होता है, ऑटोटॉक्सिसिटी इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS के अंदर यदि ऑटो की टॉक्सिसिटी होती है तो कौन सा इफेक्ट कहलाएगा, पॉल बर्ट इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट कहलाने वाला है, पॉल बर्ट इफेक्ट। और यदि पल्मोनरी सिस्टम के अंदर ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी होती है तो क्या कहलाएगा, लॉरेन स्मिथ इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ध्यान रखना है आपको, आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा पॉल बर्ट इफेक्ट और लॉरेन स्मिथ इफेक्ट। लॉरेन स्मिथ इफेक्ट कहां पर होगा, पल्मोनरी सिस्टम में, और पॉल बर्ट इफेक्ट कहां पर होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, क्लियर। बात करते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भी थोड़ी सी बात बता दूं आपको, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के रिगार्डिंग कि लार्ज सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन एक्सपेंसिव गुड चॉइस फॉर पीपल हु डू नॉट लिव देयर होम। ये उन व्यक्तियों के लिए कारगर है जो अपने घर को नहीं छोड़ना चाहते हैं, जो अपने घर को नहीं छोड़कर जाना चाहते हैं और ऑक्सीजन उनको पर्याप्त मात्रा में चाहिए, वो व्यक्ति ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का उपयोग कर सकते हैं। सेकेंड बात है इसकी फ्लो रेट कितनी होती है, तो 1 से 5 लीटर पर मिनट होती है, और कई सारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में ये 10 लीटर पर मिनट तक भी हो सकती है, इसके लिए स्पेशल मास्क और मॉडल्स की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, मस्ट बी प्लेस्ड इन ओपन वेल वेंटिलेटेड एरिया। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को किसी रूम में लगा के रूम के गेट बंद कर दिए, इसको ओपन एरिया में आपको लगाना पड़ेगा, कहीं जंगल में जाके ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा लो, आराम से आप ऑक्सीजन लेते रहो। नेक्स्ट, दे वर्क बाय रिमूविंग नाइट्रोजन फ्रॉम रूम एयर टू मेक देयर 94-98% ऑक्सीजन। ये नाइट्रोजन गैस को क्या करता है, रिमूव कर देगा, और उसमें से रूम एयर को ये 94 से 98% ऑक्सीजन को रिसीव कर लेता है।
धन्यवाद, ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पता नहीं कौन महिला है घर पे चाय पीते हुए आनंद ले रही है। हाँ, घर पे चाय पीते हुए आनंद ले रही है महिला, ऑक्सीजन भी ले रही है साथ में और चाय भी पी रही है। बढ़िया, बातें कर रहे हैं। इससे बढ़िया है कि दो पांच पेड़ पौधे लगाए जाए जिससे इन्वायरमेंट को भी सही किया जा सके। आनंद आ रहा है? आ रहा है आनंद मैडम को? आ रहा है क्या? ऐसा आनंद हमको नहीं लेना है, ऐसा आनंद नहीं लेना है। भगवान करे इसी सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़े, अकेले ही इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन हम लेते रहे। हाँ, कप में मुझे टी ही लग रही है, इसमें और तो कुछ लग नहीं रहा है, टी होनी चाहिए, बाकी तो क्या पता क्या है इसके अंदर। ठीक है, बोलो भाई, समझ आ गया पूरा? तो ये आज आपका पूरा ऑक्सीजन थेरेपी हो गया। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाला और क्लास को अटेंड किया, और मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझ में भी आ गई होगी। आ गई क्या? ओके, ठीक है, अब मिलते हैं कुछ समय के बाद। आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा अभी पीडिया की क्लास का, उसके बाद अपन पीडिया की क्लास को लेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, खाना पीना कर लो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।